बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं बचपन से ही अपने चचा के साथ रहती थी। मेरा इस दुनिया में मेरे चचा के सिवा कोई ना था और मेरी शादी भी मेरे चचा की इकलौती बेटी से हो गई। लेकिन शादी के पहले साल ही मेरे शोहर दुनिया से चले गए। मैं हमल से थी और बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चे को जन्म दिया था। घर में कमाने वाला वाहिद कफील मेरा शोहर था और मैं और मेरे चचा बहुत परेशान थे कि हम क्या करेंगे। मेरे ससुर पहले तो फारिग रहते थे, मगर बेटे की वफ़ात के बाद उन्होंने जोड़ों के मर्ज़ का इलाज शुरू कर दिया। इस काम के बाद से हमारे घर अच्छी आमदन होने लगी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मगर इस काम के बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो थोड़े अजीब से होने लग गए थे और मैं कुछ ही अरसे में उनसे तंग आ गई थी। हालाँकि उन्होंने मेरा ख्याल रखा, हर सहूलत दी, मगर उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो ज़्यादा अरसा एक जगह नहीं रहते थे। हर 6-7 माह बाद वो अचानक से ठिकाना बदल लेते थे। मोहल्ले में कोई थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान भी होती तो मैं जाते हुए किसी से मिल भी नहीं पाती थी। ऐसे चोरों की तरह हर वक्त जगह बदलने से मैं बुरी तरह थक चुकी थी। हर चंद माह बाद अपने छोटे से बच्चे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल अमर था। लेकिन मेरे चाचा की यही ज़िंदगी थी और मुझे हर हाल में उनकी हर बात माननी थी, क्योंकि इनके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मैं वजह आज तक समझ नहीं पा रही थी कि हम यूँ क्यों भागते हैं। ना हम कोई गैर कानूनी काम करते थे, ना मोहल्ले वालों को तंग करते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग खाना बदोशों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। पिछले कुछ सालों से जब से मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था, मेरे शोहर एक तरह से देखा जाए तो जोड़ों के दर्द के मालिज थे। औरतों के जोड़ों में दर्द के इलाज के लिए वो औरतों को दूध से नहलवा कर एक दवा देते थे, जिसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता था। औरतें घोड़ी की तरह सेहतमंद और चाकू चौबंद हो जाती थीं। मैं देखती थी जो भी औरत एक बार हमारे घर वो इलाज करवाने और दवा लेने आती थी, वो इतनी मुतमिन और खुश हो जाती कि अगली दफ़ा उसके साथ 2 से 3 औरतें ज़रूर मौजूद होती थीं। सबका यही कहना था कि मेरे ससुर के इलाज से जोड़ों का दर्द जादुई अंदाज से गायब हो जाता है। इस इलाज से मेरे ससुर के पास इतनी आमदन हो जाती थी कि मैं ऐश की ज़िंदगी गुजार रही थी। हम अच्छा खाते पीते थे, सुकून से रहते थे। मुझे बस अपने बेटे की फ़िक्र थी, मुझे उसे अच्छी तालीम दिलानी थी। अभी तो वो बहुत छोटा था, लेकिन मैं उसके मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रही थी। ससुर के काम से बहुत कमाई हो रही थी और मैं खुश थी कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन मेरे ससुर के काम करने का तरीका बहुत ही अजीब था। हमारे हर वक्त ठिकाना बदलने से ज़ाहिर है पुरानी मरीज़ा औरतें भी नया ठिकाना नहीं ढूंढ पाती थी। मैं अपने ससुर को समझाती थी कि इस तरह करने से उनका ये काम सही नहीं चल रहा। एक रोज़ ऐसे ही घर का सामान यहाँ से वहाँ करने में मेरे कंधों में थकन से दर्द होने लगा, तो मैं ससुर के पास गई और उनसे कहा कि मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, वो वही दवा मुझे भी दे दें। मेरा यही ख्याल था कि जब घर में मालिज मौजूद है तो मैं खामहा तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करूँ। मेरे ससुर तो मेरी बात पर जैसे उछल पड़े थे, फ़ौरन मुझे मना किया और कोई आम दर्द दूर करने की दवा लेने की हिदायत दी। मुझे उनके जवाब से शदीद हैरत हुई थी। उनका रवैया भी अजीब बुखलाया हुआ सा महसूस हो रहा था। मैंने हैरत से सवाल किया कि जब बाहर की औरतें इनसे इलाज करवा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरी बात पर वो अच्छे खासे गुस्सा हो गए थे। सख्ती से डांटते हुए बोले कि बहस की बजाय मैं कोई और दवा ले लूँ। मैं खामोश हो गई थी, मगर उस दिन के बाद मैं खटक गई थी। मुझे अपने ससुर पर शक सा होने लगा था। वो ऐसा क्या इलाज करते थे जो मेरे लिए सही नहीं था। मैं उन पर नज़र रखने लगी। यहाँ भी मेरे ससुर के पास औरतें इलाज के लिए आने लगी थी। उन औरतों को जोड़ों के दर्द का इलाज बताने वाली मैं खुद होती थी और अजीब बात थी कि मैं खुद ही अपना इलाज नहीं करवा सकती थी। मैंने अपने ससुर के इलाज पर काफ़ी नज़र रखी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर शक कर सकती। मैंने सोचा कि उनके रखे दूध को चेक करूँ, आखिर उसमें ऐसा क्या ख़ास होता था जो इतना बेहतरीन इलाज कर देता था। मैंने ससुर से छुपकर वो दूध चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। वो तो दूध ही नहीं था, वो दूध जैसा महलूल था मगर वो दूध हरगिज़ नहीं था। वो आखिर क्या चीज़ थी? मैंने ससुर से पूछने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने डांट कर मुझे चुप करवा दिया और मेरी खोज को देख कर अपनी दवा और दूध मुझसे छुपा कर अपने कमरे में रख दिया और कमरे को ताला लगा कर रखने लगे थे। कुछ वक्त तो मैंने जानने की कोशिश की, मगर फिर मैंने थक कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। वो जैसा भी इलाज करें और जिस चीज़ से भी करें, मेरा उससे लेना देना नहीं था।
मेरा घर चल रहा था और मेरे अखराजात पूरे हो रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। दिन ब दिन इस घर में भी जोड़ों के दर्द का मर्ज लेकर आने वाली औरतों का रश बढ़ने लगा था। ये मर्ज आजकल औरतों में वैसे भी आम था, और अगर इलाज इतना आसान हो और मर्ज बिल्कुल ही ख़त्म कर दे तो जो भी सुनता इलाज करवाने को मचल उठता था। एक रोज़ मैं घर में अकेली और फारिग थी तो मुझे पुराने मोहल्ले में बन जाने वाली अपनी एक दोस्त के यहाँ जाने का ख्याल आया। इस बार हमारा नया घर पिछले घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और मैं आसानी से वहाँ जा सकती थी। मेरे ससुर शायद वहीं दवा लेने गए हुए थे। पहले तो मैंने उनका इंतज़ार किया, मगर जब वो लेट हुए तो मैंने ससुर को बताए बिना जाने का सोचा और रिक्शा लेकर उस तरफ निकल पड़ी। बच्चा भी साथ था मेरे। मेरे ससुर ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं पलट कर पुराने मोहल्ले में कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे अपनी दोस्त की शिद्दत से याद आ रही थी और उसे बातें करने का दिल कर रहा था। मैं ससुर को बताए बगैर कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन मैं बहुत तंग आ गई थी इस घुटन ज़्यादा ज़िंदगी से। उनको बताए बगैर मैं बहुत सारे काम करने लगी थी। वहाँ खुश खुश जाते हुए मैंने सोचा भी नहीं था आज मुझ पर क्या इंकशाफ होने वाला था। मैं नहीं जानती थी आज मेरे ससुर के इलाज की हकीकत निकालने के लिए शायद अल्लाह ने मुझे वहाँ भेजा था। रिक्शा घर पर रुकवा कर मैं गली में घुस गई। उस वक्त मेरी खुशकिस्मती थी कि गली में कोई भी जानने वाला ना था। हालांकि अपनी दोस्त के घर का दरवाज़ा बजाते हुए मैं इर्द गिर्द देख रही थी कि कोई जानने वाली हो तो सलाम दुआ कर लूँ। दरवाज़ा खुला तो मेरी दोस्त मुझे सामने देख कर ठिठक गई। मुझे लगा था वो बहुत खुश होगी। हम दोनों ने कुछ ही अरसा के अंदर बहुत अच्छा बहनापा गांठ लिया था, मगर जितनी मैं उसे मिलने के लिए खुश थी वो नहीं हुई थी। उसने मुझे अंदर आने का कहा और जल्दी से बंद कर दिया। सलाम दुआ और हाल अहवाल की बजाय उसने मुझे जो पहला सवाल किया उसने मुझे हैरत में डाल दिया। वो मुझसे बोली कि यहाँ आते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। मैं उसके सवाल पर हैरत से नफ़ी में सर ही ला गई तो वो मुझे अंदर ले गई। मेरा दिल दुख रहा था उसके रवैये पर। मुझे लगा मेरे ससुर ठीक कहते हैं कि औरतों की दोस्ती ज़्यादा वक्त नहीं चलती, इसलिए जो पीछे छूट जाए उसे भूल जाया करो। शायद यही सच था। कल तक जो दोस्त मुझे देखकर खिल उठती थी वो अब ऐसे सर्द संजीदा सी थी। मैं सच्चाई से नावाकिफ थी। अंदर कमरे में ले जाकर उसने मुझे अपनी सास से मिलवाया तो उसकी सास की हालत देखकर मुझे झटका लगा था। उसकी सास भी उन औरतों में से थी जिनका इलाज मेरे ससुर ने किया था। वो खामोशी से मुझे देख रही थी। उनका चेहरा और पूरा जिस्म अजीब बड़े बड़े दानों से भरा हुआ था। इन दानों की शक्ल बिगड़ी हुई थी और देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो दाने कितने तकलीफ़दे हो सकते थे। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने परेशानी से उन्हें देखकर कहा कि खाला ये सब क्या है और आपकी ये हालत कैसे हुई। वो मेरे सवाल पर हैरान हुई थी। मेरी दोस्त बोली कि क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे ससुर के इलाज से ऐसा हुआ है। जोड़ों के दर्द से फौरी निजात तो दिला देते थे, मगर अब हर इलाज करवाने वाली औरत की यही हालत है। मुझे उनकी बातों से सदमा पहुंचा था। मैंने नफ़ी में सर ही लाया और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ये बात कभी नहीं जानती थी। मुझे तो हैरत है, सब औरतें इतनी खुश थीं, इलाज की कुछ माह बाद तो मैं भी यहीं रही थी, तब तक तो ऐसा कुछ ना था। मुझे उन लोगों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद उन्हें गलत फहमी हुई है और मैंने थोड़ा घबराते हुए ये बात कह भी दी। मैंने कहा कि हो सकता है सबको गलत फहमी हुई हो, मेरे ससुर काफ़ी अरसा से ये इलाज कर रहे थे और कितनी औरतों का मर्ज़ ठीक किया, कुछ माह तो मैं भी देखती रही हूँ उन औरतों को। मेरे ससुर के इलाज से वो घोड़ी की तरह तेज़ और चाको चौबंद हो जाती थी। मेरी बेयकीनी पर वो दोनों सास बहू मुझे तासुब से देखने लगी। वो समझ गईं कि मैं इन सब हकीकत से लाइलम हूँ। तब मेरी लाइलमी देखकर मेरे दोस्त ने मुझे तफसील से बताया कि इलाज के कुछ माह बाद तक तो वाकई सब औरतें ठीक रहीं, मगर हमारे यहाँ से जाने के तकरीबन एक माह बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू में इलाज करवाने वाली औरतों को ऐसे ही पूरा जिस्म पर दाने निकलने लगे। सादा लोग थे, मौसमी दाने समझते रहे और कुछ ने घरेलू टोटकों से इलाज करने की भी कोशिश की थी, मगर अफाका नहीं हुआ था। कुछ वक्त गुजरा तो हर दूसरी औरत के साथ यही होने लगा। सबकी हालत एक जैसी हो रही थी। उनके जिस्म दानों से भर जाते और वो दाने बढ़ते चले जाते थे। पहले तो सब ने वबा समझी, मगर आखिर सबको ये बात समझ आने लगी कि यह हालत हर उसी औरत की हो रही थी जिसने मेरे ससुर से जोड़ों के दर्द का इलाज करवाया था। डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई जहरीले दाने थे। इलाज से थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता था, मगर इनसे निजात नहीं मिल रही थी। इन सब ने मुझे और मेरे ससुर को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की। मेरी दोस्त ने बताया कि शुरू में तो बहुत अरसा वो लोग मेरी दोस्त के घर भी पता करते रहे कि शायद मैं उनसे राबता करूँ,
मेरी कभी रابता ना करने पर सबको यकीन था कि मैं भी अपने फराटी सुसर के साथ मिली हुई हूँ। इलाज के नाम पर हम दोनों सबको उल्टी सीधी दवा देते और पैसा बटोर कर भाग जाते। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे सुसर ने कभी मुझे मोबाइल नहीं रखने दिया था। शायद उन्हें यही खौफ था कि मैं किसी पुराने जानने वालों से रابطہ ना करूं। मैं उनकी सब बातें सुनकर पत्थर की हो चुकी थी। मुझे लगा मैं कभी हिल नहीं पाऊंगी। आखिर मेरे सुसर की ऐसा इलाज कर रहे थे कि सबकी ये हालत हुई थी। अब मुझे ख्याल आ रहा था, जब से मेरे सुसर ने इलाज शुरू किया था, हम एक ख़ास मुद्दत तक ही किसी घर में रहते थे और फिर चोरी छुपे वहाँ से भाग जाते थे। यकीनन मेरे सुसर को इस इलाज के ऐसे ख़तरनाक असरात का इलम था, इसलिए वो पहले से ही भाग निकलते थे। मैं अपनी दोस्त के घर खौफजदा सी बैठी थी। उसने मुझे कहा कि मेरी खुशकिस्मती है किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा, वरना ये सब लोग मुझे जाने ना देते और मेरे सुसर के किए का हिसाब शायद मुझसे ले लेते। मैं अपनी दोस्त के घर फंसी बैठी थी क्योंकि ये छोटा सा मोहल्ला था। घरों के दरवाज़ों पर अक्सर औरतें खड़ी बातें करती रहती थी। दरवाजे खुले होते थे जिनसे बाहर सब देखते रहते थे। जब मैं यहाँ आ रही थी तब तो दोपहर की वजह से हर घर बंद था, मगर अब सब गली में घूम फिर रहे थे। मेरे पास मोबाइल ना था कि मैं अपने सुसर को बता सकती। मेरी दोस्त और उसकी सास को मुझ पर तरस आ गया। मेरे रोने पर उन्हें यकीन आ गया था कि मैं सारे मामले से बेखबर थी। उस रोज़ शाम हो गई और मैं अपनी दोस्त के घर बैठी रह गई थी। मेरी दोस्त वक्तन फवक्तन दरवाजे से बाहर झांक कर आती ताकि कोई मौजूद ना हो तो मैं जा सकूं। शाम ढलने पर कहीं जाकर मैं वहां से निकल सकी थी। मुझे उन औरतों पर तरस भी आ रहा था और खौफ भी महसूस हो रहा था। घर पहुंची तो अच्छी खासी रात हो चुकी थी और मेरे सुसर मेरे लिए परेशान हो रहे थे। घर जाकर सांस बहाल होते ही मैंने सुसर से उनके इलाज की हकीकत पूछी थी। मैं गमजदा सी उनसे लड़ रही थी कि क्या उनको लोगों पर तरस नहीं आता। उनके इलाज की वजह से वो सब औरतें सादत को पहुंची हुई हैं और उनकी बेहिसी की हद ये थी कि वो पैसा लेकर घर बदल लेते थे। मेरे लड़ने पर वो ठिठक गए और गुस्से से पूछा कि मैं किससे पूछ कर वहाँ गई थी। मुझे जवाब देने की बजाय वो उल्टा मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे डांट कर चले गए। मैं इस वाक्य से बुरी तरह डर गई थी। मेरी नज़रों के सामने मेरी दोस्त की सास की हालत घूम रही थी। मुझे आज इतने वक्त बाद फिर से ख्याल सता रहा था, आखिर वो किस किस्म का दूध था? वो क्या चीज़ थी जिससे वो औरतें निहाकर इतना ताज़ा दम हो जाती थी? अब तो मैंने इसके बुरे असरात देख लिए थे। अब मैं जाने नहीं दे सकती थी। मैं मौके की तलाश में रही कि किसी तरह वो दूध नुमा महलूल मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी हकीकत जान सकूँ। जब से मैं पुराने मोहल्ले से होकर आई थी, मेरे सुसर अब मुझ पर सख्ती करने लगे थे और अपना कमरा भी इसी तरह बंद करके रखते थे और मुझे भी घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हर वक्त कोशिश करते रहते। आखिर मुझे एक दिन मौका मिल ही गया। वो एक आम सा दिन था। घर में इलाज के लिए आई औरतों का रश लगा हुआ था और मेरे सुसर अपने काम में काफ़ी मसरूफ़ बैठे थे। मैं औरतों के साथ चुपके से घुसी और दूध नुमा उस महलूल के ड्रम से छोटी सी बोतल जल्दी से भर ली और अपने सुसर की नज़र पड़ने से भी पहले मैं कमरे से निकल गई। मैंने वो बोतल अपने कमरे में छुपा ली। औरतों के जाने पर मेरे सुसर ने ममूल के मुताबिक अपने कमरे को ताला लगा दिया था। मैं अनजान बनी किचन में काम करती रही थी। अब मैं पहले की तरह उनके आगे पीछे नहीं घूम रही थी। जब उन्होंने देखा कि अब मैं लापरवाह हो गई हूँ तो वो भी मुतमिन हो गए कि मैं उनकी जसूसी करके थक चुकी हूँ। मुझे अब बस वो बोतल किसी लेबॉर्टरी ले जाने की कोशिश करना थी, जहाँ ले जाकर मैं उस महलूल का मुआयना करवा कर हकीकत का पता करवा सकूँ। और उस चीज़ का कुदरत ने जल्दी मुझे मौका भी फराहम कर दिया। हमारे उसी मोहल्ला में किसी की फौतगी होगी थी और मेरे सुसर जनाजे पर गए हुए थे। पीछे मौका देकर मैंने घर को ताला लगाया और वो दूध नुमा महलूल की बोतल अपनी चादर में छुपाती जल्दी से रिक्शा पकड़कर बैठ गई और बच्चा पड़ोसन की बेटी को थमा दिया। मैंने रिक्शे वाले को किसी लेबॉर्टरी ले चलने की हिदायत दी। वो सरी लाकर मुझे लेबॉर्टरी तक ले गया। मैंने रिक्शे वाले को वहीं रुके रहने की ताकीद की और किराया अदा करके लेबॉर्टरी में घुस गई। मैंने वो बोतल टेस्ट के लिए दी और उनसे जल्दी करने की दरख्वास्त करते हुए वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी। जल्दी रिजल्ट के लिए उन लोगों ने पैसा डबल मांगा था। मैंने बिना बहस किए दे दिया था। मैं जानती थी दोबारा आने की मुझे मोहलत नहीं मिलेगी। आज चाहे देर भी हो जाती, मगर मैं हकीकत जाने बिना यहाँ से नहीं जाने वाली थी। मैं वहाँ तकरीबन आधा घंटा बैठी रही थी, फिर जाकर मुझे रिजल्ट मिला था। उस रोज़ मुझे उस दूध की जो सच्चाई पता चली उसने मेरी रूह फना कर दी। मैं दम्बा खुद सी वहाँ बैठी थी, कितनी देर में हरकत नहीं कर पाई थी। मुझे अपने सुसर की इस घिनौनी हरकत पर अफसोस हो रहा था। काफ़ी देर बाद मैं खुद को हरकत करने पर आमादा कर पाई थी। मैं खुद को घसीटती हुई रिक्शे में जा बैठी
और रिक्शे वाले को घर वापस ले जाने का कहा। मैं एहतियातन रिक्शे वाले को ताकीद की कि अगर घर पहुंचने पर मेरे ससुर उससे सवाल करें तो वो यही कहे कि वो मुझे किसी डॉक्टर के क्लिनिक ले गया था। रिक्शे वाले ने बिना कोई सवाल किए सारी ला दिया। आज भी मुझे शाम हो चुकी थी और मेरे घर पहुंचने पर मेरे ससुर पहले से पहुंचे हुए थे। वो मुझे देखकर तीर किसी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे घूर कर घर चलने की हिदायत की। उन्होंने रिक्शे वाले को किराया देकर फारी करते हुए मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बहाने से पूछ लिया था कि वो मुझे कहाँ ले गया। रिक्शे वाले ने मेरी हिदायत के मुताबिक वही बात दोहरा दी कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। मेरे ससुर ने सर हिला दिया। उन्होंने घर आकर फिर भी मुझसे सवाल किया था। अब मैंने उनसे कोई बहस या लड़ाई नहीं करना चाहती थी। मैं डरी हुई भी थी इसलिए झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। मेरे झूठ पर उन्हें कुछ यूं भी यकीन आया था कि मेरी हालत उस वक्त अजीब सी हो रही थी। मेरा चेहरा जर्द हो रहा था और जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। वो सर हिलाकर नरमी से बोले कि मैं उनका इंतज़ार कर लेती तो वह खुद मुझे ले जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं और फिर मैं कमरे में जाकर बंद होगी। मेरे ससुर ने भी मुझे तंग नहीं किया था। वो यही समझे कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आराम कर रही हूँ जबकि मैं कमरे में बंद होकर रो रही थी। आज मुझे अपने ससुर का घिनौना चेहरा नज़र आया था। वो दूध के नाम पर क्या इस्तेमाल करवा रहे थे। हर दिन मेरे घर आकर इलाज करवाने वाली औरतों में इजाफा हो रहा था। उनकी लातदाद दुआओं पर पहले जो मैं खुश होती थी अब घबराने लगी थी। यही औरतें जब तकलीफ झेलती थी तो ऐसी ही बददुआएं भी देती होंगी मेरे ससुर को भी और शायद मुझे भी। मैं कुछ दिन तो उदास ही घूमती रही। मैं कुछ नहीं कर सकती थी मगर मुझे कोशिश तो करनी थी। एक दिन शाम के वक्त जब औरतें चली गईं तो मैंने हिम्मत करके ससुर को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर दे दी थी। उनको चाय का कप पकड़ाते ही सोने का बहाना करके कमरे में चली गई थी। वो भी शाम को चाय पीकर थोड़ी देर लेटकर आराम करते थे। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करती रही और फिर अपने कमरे से निकलकर उनके कमरे में पहुंची तो वो सो रहे थे। सबसे पहले तो मैंने अपना बेटा पड़ोसन की बेटी को दिया जो मेरे बेटे से बहुत मानूस हो चुकी थी। वो खुश हो जाती थी जब मैं बाहर जाते वक्त अपना बेटा उसके हवाले करके जाती थी। मैं घर वापस आई तो मैंने वो ड्रम किसी तरह बगैर आवाज़ किए घसीटते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुँचाया और उनका कमरा बंद कर दिया। मैं जाकर अपनी चादर उठा लाई और घर के बाहर निकलकर रिक्शा ढूंढने लगी। आखिर मुझे रिक्शे वाला नज़र आ गया था। रिक्शे वाले की ही मदद से मैंने वो ड्रम उठाकर किसी तरह रिक्शे पर रखवाया। हमारे एक पुराने इलाके के पास बहुत बड़ी नहर थी। मैंने रिक्शे वाले को वहाँ ले जाने का कहा। मैं आज ये दूध नुमा महलूल ज़ाया कर देना चाहती थी। मेरा यूँ अकेला नहर तक आना और ड्रम लाना रिक्शे वाले को शक में मुब्तिला कर रहा था। वो बार बार शीशे से मुझे देख रहा था। उसके शक पर मैं बुरी तरह डर गई और जब उस मतलूबा जगह पर पहुंचकर मैंने ड्रम उतरवाया और रिक्शे वाले को पैसे देकर जाने का कहा तो वो जाने की बजाय मुझे घूरने लगा। मेरी घबराहट पर वो बोला कि इस ड्रम में ऐसा क्या है जो इतनी दूर तक मैं ये लाई और क्या छुपा रही हूँ। मुझे तो वैसे भी खौफ से पसीने छूट रहे थे। मैं सच नहीं बता सकती थी और अगर वो पुलिस को बुलवा लेता तो सारा शक मुझ पर चला जाता। मैंने तेज़ी से दिमाग चलाते हुए बर वक्त बहाना तलाश किया और कहा कि मैं दूध का कारोबार करती हूँ और ये दूध ख़राब हो जाने पर नहर में बहाने आई हूँ। मैंने ड्रम का ढक्कन खोलकर भी दिखा दिया। वो महलूल वैसे भी दूध जैसा ही था। वो रिक्शे वाला भी देखकर मुतमिन हो गया और माजरत करते हुए वहाँ से चला गया। इससे पहले कि मैं वो ड्रम ज़ाया करती मेरे ससुर जो मेरा पीछा कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। वो शदीद गुस्से में थे। मेरी गलती ये थी कि उन्हें चाय का कप पकड़ा कर मैंने देखा नहीं। उन्होंने वो चाय पी थी या नहीं उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मुझ पर पहले ही शक था। जो रिक्शे वाला मुझे लेबॉरेटरी ले गया था उन्हें दोबारा मिला तो उनके गुलमाने पर उसने सच बता दिया था कि वो मुझे लेबॉरेटरी ले गया था। मेरे ससुर को वहीं मुझ पर शक हुआ और मैं उनके उस दूध नुमा महलूल की हकीकत जान चुकी थी इसलिए वो मेरी सरगर्मियों पर नज़र रखने लगे और आज भी उन्होंने चाय पीने की बजाय ज़ाया कर दी थी। वो मेरे घर से निकलने के बाद मेरा पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुके थे। वहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। नहर के गिर्द ऊंची पक्की सी जगह पर मैं ड्रम लिए खड़ी थी और अपने ससुर से लड़ती उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे डांटने लगे और गुस्से से ड्रम खींचने लगे। इस खींचातानी में ड्रम एक तरफ लुढ़क गया और मैंने ड्रम का ढक्कन पहले ही हटा दिया था। वो सारा महलूल नहर में बह गया था। नहर के गिर्द लगी सरसब्ज छांटे सी उस महलूल से सफ़ेद हो गई थी। मेरे ससुर को इस नुकसान पर सदमा लगा था। वो सारा महलूल नहर के ऊपर सफ़ेद तह की सूरत बह रहा था। मुझे लगा था मैंने उनका नुकसान करके उन्हें रोक लिया। मैं बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार थी।
वह गुस्से से मुझे खींचते हुए घर ले गए और सामान बांधने का हुक्म दिया। हमारी हिजरत का फिर से वक्त आ गया था, मगर इस बार मैं पुरसकून थी कि मैंने बहुत सी औरतों को बचा लिया था। हमने वो घर छोड़कर एक और जगह पर घर ले लिया। मेरे ससुर मुझसे नाराज़ थे। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि वो ये सब बहुत गलत कर रहे हैं और उन्हें इस नुकसान के बाद तौबा कर लेनी चाहिए, मगर मेरे ससुर ने मेरी सुने बिना यहाँ भी वैसा ही सफ़ेद महलूल तैयार कर लिया था। मैंने इस बार औरतों को उनके इलाज का बताने से साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने बाहर मर्दों को बता दिया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरे और मैं दुआ करती रही कोई औरत ना आए, मगर एक रोज़ एक औरत आ ही गई थी। मैंने उस औरत को बाहर से ही लड़खाने की कोशिश भी की, मगर मेरे ससुर ऊपर से पहुंच गए थे। उस औरत का इलाज हुआ तो हसबे ममूल वह कुछ दिन बाद खुशी खुशी आई और उसके साथ दो तीन मजीद औरतें भी थीं। मैंने थक कर एक रोज़ खुद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन्हें बता दिया कि मेरे ससुर एक केमिकल में पानी मिलाकर औरतों का इलाज करते हैं जो हड्डियों को तो आराम देता है मगर जिल्द को दानों से भर देता है। पुलिस के पास मेरे ससुर पर मुख्तलिफ जगह पर रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और घर से सबूत के तौर पर वो महलूल भी मिल गया। अब मेरे ससुर जेल में है और मुझे मेरी खाला अपने घर ले गई है। हमें ख्याल रखना चाहिए और कभी इन देसी डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ कर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहिए, वरना कुछ नुकसान ऐसे ही तकलीफ दे और नाकाबले तलाफी होते हैं। ऐसे ही सच्चे वाकियत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की इस वाक्य को अपने तमाम दोस्त अहबाब से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।